हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बैंक एग्जाम स्टडी डॉट कॉम। तो आज मैं NIACL AO प्रीलिम्स का एग्जाम देके आया हूँ एज अ स्क्राइब। यहाँ पे बठिंडा में कोई स्टूडेंट था तो ही कांट वॉक, तो उसकी मसल में प्रॉब्लम था, तो ही आस्क्ड मी कि क्या आप मेरे स्क्राइब बनोगे। तो आई सेड यस, जरूर बनूंगा। तो आज सुबह से लेके 3 बजे तक मैं वहीं पे था और अभी आज 3 बजे शायद वापस आया हूँ। 2 सेकेंड स्लॉट था। तो अगर आप में से, पहले मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, अगर आप में से कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है और उसका अगर एग्जामिनेशन सेंटर पंजाब में कहीं बनता है, स्पेसिफिकली अगर लुधियाना में बनता है, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। मैं 100% एश्योरिटी देता हूँ, क्योंकि संडेज को और वीकेंड्स को मेरे को ज़्यादा काम तो होता नहीं है, वेले लोग हैं। तो प्लीज़ जस्ट ड्रॉप मी एन ईमेल या नीचे कॉमेंट करें या मेरे ब्लॉग पर कॉमेंट करें, कहीं पर कैसे भी मुझे कॉन्टैक्ट करें। और मेरी वेबसाइट पे मेरा नंबर भी गिवन है, तो मैं ज़रूर आपका एग्ज़ाम दूंगा और बिल्कुल पास होऊंगा। तो चलिए, ये हूँ मैं, मेरा नाम है रमनदीप सिंह। आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर आप में से किसी को अपेयर होना है, कोई एग्ज़ाम दे रहा है, हैंडीकैप और स्क्राइब चाहिए, तो मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। मेरा नाम है रमनदीप सिंह एंड नीचे सब्सक्राइब का बटन है, पहले ये दबा लीजिए। अगर दबाएंगे तो मैं ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाऊँगा और ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। तो चलिए आगे बात करते हैं। आइडियल अटेम्प्ट क्या है, अगर मैं बात करूं कि पहली बात, NIEC ये जो एग्ज़ाम था नेशनल इंश्योरेंस का, बहुत इजी एग्ज़ाम था। मुझे लगता है, मैंने SBI IBPS के एग्ज़ाम्स देखे हैं, लेकिन NIEC का ये जो एग्ज़ाम था AO का, बहुत इजी था। इंग्लिश सेक्शन, ये जो सेक्शन था स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ इंग्लिश सेक्शन की, ये सेक्शन बहुत ही इजी था। 24 से 26 की यहां मैंने गुड अटेम्प्ट लिखी है, लेकिन इसमें से अगर आप 27 से 28 भी बोलें, विद इन आप कह लें 20 से 22 मिनट अगर इसको देते हैं सेक्शन को, तो बड़े आराम से 27 से 28 मार्क ला सकते थे। और जो स्टूडेंट ने इस पे थोड़ा सा टाइम दिया है इसको, तो इंग्लिश ने आपकी जो कट ऑफ है ये आपको आपकी क्लियर करवानी है। जिस स्टूडेंट ने इंग्लिश पे ध्यान नहीं दिया या एंड में 10-12 मिनट में करने की कोशिश की है, उसका एग्जाम क्लियर होना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन ये एग्जाम का जो निचोड़ मेरे हिसाब से निकल के आया है कि इंग्लिश सेक्शन जो था बहुत इजी था एज कंपेयर टू रीजनिंग और क्वांट। वैसे ओवरऑल एग्जाम जो था वो इजी था। तो चलिए आइडियल अटेम्प्ट की बात ना करते हुए मैं आपको सेक्शन वाइज बताता हूँ इंग्लिश सेक्शन में क्या था। इंग्लिश सेक्शन में पहले तो जो हमारी RCI थी, वो सोशल मीडिया पे एक पैराग्राफ था, पैराग्राफ छोटा सा पैराग्राफ था। SBI या जो IBPS में पैराग्राफ्स लंबे लंबे आते हैं, बहुत स्मॉल पैराग्राफ था, छोटा सा पैराग्राफ था। उसी के अंदर ऑपोजिट वर्ड्स, सिनोनिम्स ये पूछे हुए थे, एंड बहुत ही, मतलब कह लीजिए, कंटेक्चुअल नहीं था। ऐसे नहीं था कि डीपली घुस के थीम पूछी गई है कि ऑथर क्या सोच रहा है, क्या कन्वे कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। बहुत ईजी था, ईजी पैराग्राफ था ये, आप कह लीजिए 5-7-8 मिनट में आप बड़े आराम से इसको कर सकते हैं। एरर डिटेक्शन जो आए थे बहुत बहुत सिंपल आए थे। फ्रेज रिप्लेस, क्लोज टेस्ट सबसे इजी, ये 8 मार्क जो है 5 मिनट में 100% एक्यूरेसी के साथ, अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी सी भी अच्छी है तो ये 8 मार्क आप आसानी से लेकर आ सकते हैं। एरर डिटेक्शन और फ्रेज रिप्लेसमेंट, जिसने भी ग्रामर पढ़ी और जो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ता है, वो बंदा इस पेपर में 22 से लेके 24 मार्क तक बड़े आराम से ईजिली हंसते हंसते 20+ इस सेक्शन में आने चाहिए। एरर डिटेक्शन मैं कहता हूँ बहुत ही सिंपल था, मतलब देयर और THERETHEIR, ऐसे ऐसे सिंपल से क्वेश्चन थे। अभी एग्जैक्टली मुझे क्वेश्चन याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि एरर डिटेक्शन फ्रेज, ये सारे का सारा जो इंग्लिश सेक्शन था मुझे इतना पता है। ये 10 मार्क में 2-3 क्वेश्चन आप कह लीजिए, इसीलिए मैंने कहा है कि 22-24, इसलिए बोल रहा हूँ। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 1-2 क्वेश्चन थोड़े सोचने वाले थे कि यार इसमें क्या होगा, और क्लोज टेस्ट में आप कह लीजिए 2 ब्लैंक्स ऐसी थी जिसमें सोचने वाला था कि यार रिलेटेड थी, थोड़ी बहुत सिमिलर सी थी, कह लीजिए कि बहुत सिमिलर थी। अभी मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, वैसे मैं तुक्का मारूंगा कोई फायदा नहीं, लेकिन मुझे इतना याद है 2 क्वेश्चन आप कह लीजिए क्लोज टेस्ट में, और 2-3 क्वेश्चन आप कह लीजिए RC में थोड़े से मुझे लगे कॉम्प्लिकेटेड। मुझे नहीं, इवन एज अ स्टूडेंट अगर मैं बात करूं, कर तो मैंने दिए, लेकिन एज अ स्टूडेंट अगर मैं बात करूं तो मुझे इसमें थोड़ा लगा कि ये थोड़े से घुमा के डाले हुए हैं। बाकी बहुत आसान पेपर था, 24-25 क्वेश्चन बड़े आसानी से किए जा सकते थे। तो ये एक सेक्शन मुझे लगता है कि बहुत आसान था। इसमें अगर किसी स्टूडेंट ने
अटेम्प्ट अगर 24-25 की है तो मैं हैरान नहीं होऊंगा, इवन 30 भी करी है तो भी मैं हैरान नहीं होऊंगा। बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग का पेपर अगर मैं बात करूंगा, ये पिक करने वाला पेपर था, क्वेश्चंस पिक करने वाला पेपर था। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी, जब पेपर देने बैठते हैं तो फ्रंट के इवन रीजनिंग में भी और क्वांट में भी पहले पहले 4-5-7 क्वेश्चन जो है वो डिफिकल्ट डाले होते हैं, और लास्ट वाले 5-7-10 क्वेश्चन है वो बहुत ईजी थे। ये एक टेक्निक है कि आप जब पेपर करते हैं, नॉर्मली यहाँ पे बैठे बहुत स्टूडियोज में बैठे हुए बड़े बड़े चैनल्स के और बड़ी बड़ी जो गुरु हैं वो आपको बोल देते हैं कि आप जी एंड लास्ट वाले क्वेश्चन पहले कीजिए, नहीं समझ आता छोड़। पेपर करते हुए कोई इतना नहीं सोच सकता। आप जब पेपर कर रहे हैं आप इतना कुछ नहीं सोच सकते, आपका दिमाग स्क्रीन में होता, आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आपके दिमाग में वो सब नहीं होता। आप इतना कर सकते हैं कि ये मेरे को इतना ज्यादा टाइम लग रहा है, छोड़ो चलो आगे करो। बट एंड से शुरू करना, ये वो करना थोड़ा मुश्किल है, मैं समझता हूँ, आज मुझे भी लगा। तो यहाँ पे मैं बात करूँ क्या क्या इजी था और क्या क्या मेरे हिसाब से बहुत जल्दी जल्दी किया जा सकता था। कोडिंग डीकोडिंग बहुत ज्यादा सिंपल थी। अगर मैं पूरे पेपर की बात करूँ, रीजनिंग सेक्शन की बात करूँ, कोडिंग डीकोडिंग बहुत सिंपल थी। वही जो पुराने जमानों में क्वेश्चन आते थे कोडिंग डीकोडिंग वाले, वही थे। भी एक कोड दिया हुआ है ऐसे कुछ CSCDXJGJ 7-8 कोड दिए हुए हैं, anyone can can dance या can go, ये ऐसे ऐसे सिंपल से इसका मतलब ये है, तो आपने कॉमन निकाल लिया। तो मैं इसकी मैं वीडियो बनाऊंगा एक बहुत सिंपल सी। कोडिंग डीकोडिंग आप कह लीजिए कि बहुत सबसे इजी क्वेश्चन था, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन ये था। और उसके बाद अगर मैं बात करूं, डायरेक्शन सेंस टेस्ट का एक सेट आया था, 3 क्वेश्चंस का एक सेट था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, नॉर्मल से थोड़ा हटके था कि ऐसे घूमते घूमते वापस ले आए फिर ऐसे करके, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बोलूंगा, लेकिन 3 मार्क के लिए ये इतनी मेहनत नहीं करवाई। 2 मिनट में या 2.5 मिनट में अगर क्वेश्चन हो गए 3 तो बहुत अच्छी बात है। और अगर बात करें यहाँ पे ब्लड रिलेशन की, ये थोड़े से आप कह लीजिए थोड़ा घुमावदार था, ये थोड़ा सा आप कह लीजिए मुझे डिफिकल्ट देखने में लगा कि यार ये थोड़ा सा घुमाया हुआ है, डिफिकल्ट था। मैं एज अ नॉर्मल स्टूडेंट बात कर रहा हूँ, मैं अपने साथ जो बैठे थे, मैं उनकी जो वहां पे मैंने स्टूडेंट्स का रिव्यू लिया, 3-4 स्टूडेंट से मैंने बात करी, तो उनसे पूछा आपको कैसा लगा पेपर, मैंने एज ए स्टूडेंट ही बात करी मैं, क्योंकि मुझे ज्यादा लोग तो जानते नहीं है यहाँ पे लुधियाना में, दिल्ली में शायद थोड़े बहुत जानते होंगे। तो वहां पे मैंने पूछा, तो एक एज अ स्टूडेंट मैंने रिव्यू लिया सबका, 3-4 स्टूडेंट्स का, तो ब्लड रिलेशन सबको डिफिकल्ट लगा और मुझे भी थोड़ा लगा कि बाकी क्वेश्चन से, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है, 20 मिनट है, 20 मिनट में आप 20-25 मिनट है रीजनिंग के लिए, से ज्यादा आपके पास टाइम नहीं है, तो कितने क्वेश्चन आप कर सकते हैं 25 मिनट में। 4 से 5 मिनट में आप कोडिंग डिकोडिंग करेंगे, 3-4 मिनट में डायरेक्शन सेंस करेंगे, इनइक्वालिटी बहुत इजी आया था, 2-3 मिनट इसको लगाएंगे, रैंकिंग वाला बहुत इजी था, 1-2 मिनट इसको लगाएंगे, आपके 15 मिनट तो हो गए। सेटिंग अरेंजमेंट जो थे ये भी इसमें आप कह लीजिए पजल जो थी, थोड़ी सी छोटी छोटी पजल आई थी, कोई इतनी SBI लेवल की पजल नहीं थी, बहुत छोटी छोटी पजल थी। सेटिंग अरेंजमेंट जो आया था सिंपल ही आया था, एक थोड़ा कंफ्यूजन ये हो गया, एक सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आया था उसमें सेट नहीं था, सिर्फ एक ही क्वेश्चन था सेटिंग अरेंजमेंट का, 3 लाइन का क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा नई चीज थी, मैंने सोचा था कि शायद ज्यादा ही पेपर इजी है इतने छोटे से, 3 क्वेश्चन होंगे, लेकिन एक क्वेश्चन था। तो सेटिंग अरेंजमेंट जो था वो बहुत इजी था, सिर्फ आप कह लीजिए SBI में 8-9 स्टेटमेंट्स होती हैं, सिर्फ 4 स्टेटमेंट थी, 4 स्टेटमेंट आप से एक अपना अरेंजमेंट बनाइए और 5 मार्क आपको दे रहे हैं, तो मैं कहता हूं कि ये सिंपल था। लेकिन सेटिंग अरेंजमेंट में एक क्वेश्चन आई थिंक नहीं, पजल में थोड़ा एक क्वेश्चन, एक पजल थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी जिसको 10-12 मिनट लग सकते थे, तो मैंने खुद ने वो पजल छोड़ दी थी। तो रैंकिंग भी, ये भी इजी था। सेटिंग अरेंजमेंट में आप कह लीजिए 10 से 12 मार्क का पेपर काफी इजी था, तो आप यहीं पे एस्टिमेट लगा लीजिए 14 और 5 17 और 19 और आप 19 और 6 कह लीजिए 25 मार्क का जो पेपर है बहुत आसानी से आप कर सकते थे। अगर आपके पास 22-25 मिनट है तो 25 मार्क का पेपर आप कर सकते थे, मतलब मेरे हिसाब से। अल्फाबेटिकल बीच बीच में शायद टाइम नहीं मिलता ज्यादातर लोगों को, तो ये मेरे को लगा कि ये मेरा एनालिसिस है सबसे इजी। तो मुझे इस अगर रीजनिंग की मैं बात करूं सबसे इजी मुझे कोडिंग डिकोडिंग लगा, 5 क्वेश्चंस जो है 3 मिनट में आपको हो सकते थे। ब्लड रिलेशन थोड़ा सा था घुमावदार,
डायरेक्शन सेंस, कोडिंग डिकोडिंग और सिटिंग अरेंजमेंट का एक्सेप्ट बहुत इजी था, चार स्टेटमेंट वाला, तो आप कह लीजिए 5 और 5 10 और 3 13 और 2 15 मार्क का जो पेपर था वो ऐसा था कि बहुत ही आसान आया था 15 मार्क का, जो आपने क्वेश्चन चुनने थे अपने, तो ये 15 मार्क का पेपर आप आसानी से 15-16 मिनट में कर सकते थे। तो क्वांट की बात करता हूं, क्वांट में देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बहुत बहुत इजी थी, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था, एक 10th क्लास का स्टूडेंट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चन आसानी से कर सकता है। अगर आप ग्रेजुएट हैं और तैयारी कर रहे हैं और आपने कभी जिंदगी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखी है, तो ये जो क्वेश्चन था आप कह लीजिए 7th क्लास का जो क्वेश्चन कहते हैं 7th क्लास 7th ग्रेड का जो क्वेश्चन थे वो आए हुए थे, एक्स और वाई की जो इक्वेशंस होती हैं सिंपलेस्ट, ये बहुत इजी था, वेरी इजी। इजी के बाद मैं वेरी लिखना चाहता हूं लेकिन चलिए इजी पकड़िए इसे, बहुत इजी था। डेटा इंटरप्रिटेशन के 2 सेट थे, बहुत ज्यादा इजी थे ये एक्चुअली, एग्जाम कह लीजिए एक तो इजी था और क्वेश्चन बीच बीच में कह लीजिए 15 मार्क का पेपर डिफिकल्ट था और जो इजी था 50 मार्क का पेपर तो इतना इजी था कि बिल्कुल जिसने तैयारी शुरू की है शायद वो भी इसमें 40-42 मार्क ले आए। तो डेटा इंटरप्रिटेशन 10 मार्क का पेपर, तो 10 सेकंड छोड़िए 15 मार्क का पेपर बहुत इजी था, वही एज ओल्ड पुरानी जो आते थे पेपर SBI या IBPS के 3-4 साल पहले पेपर आते थे वैसा पेपर था DI का, बहुत इजी था। यहां पे डिफिकल्ट क्या था, नंबर सीरीज थोड़ी सी मैं कहूंगा, 1-2 क्वेश्चंस इजी थे और 2 क्वेश्चंस इजी थे लेकिन 3 क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, 3 क्वेश्चन मैं मानता हूं डिफिकल्ट थे, थोड़ा सा घुमाने वाले थे, 2 क्वेश्चन इजी थे और जो लोग यहां पे फंस गए कि 3 क्वेश्चन में ये फंस गए वो फिर आगे नहीं बढ़ पाए, और बहुत दिमाग लगाया हुआ है डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस को एंड में डाल के और नंबर सीरीज को सबसे पहले आई थिंक क्वाड्रेटिक को सबसे आगे डाल दिया, चलिए उसे बूस्ट मिला लेकिन फिर नंबर सीरीज डाल दिया ताकि स्टूडेंट्स को लालच हो जाए कि एक एक नंबर वालों में से हम 15-20 नंबर उठा लें, तो ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं हुआ, ये 5 मार्क और इसमें से आप पकड़ लें 10 मार्क और ये भी कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। इसमें से मैं कहूंगा एक पार्टनरशिप का एक आया हुआ था वो बहुत इजी था, पार्टनरशिप वाला एक क्वेश्चन था बहुत इजी था, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस ट्रेन्स वाला क्वेश्चन आया था एक, वो बहुत इजी था बहुत आसानी से हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस का अभी टाइम एंड वर्क का शायद मैंने कोई देखा नहीं है स्किप हो गया होगा, P&L का एक क्वेश्चन था बहुत इजी था, एलिगेशन का एक क्वेश्चन था वो भी बहुत इजी था, मिक्सचर एलिगेशन का जो होता है बहुत इजी, जो फर्स्ट क्वेश्चन आप कह लीजिए कि एक 100 मिक्सचर में और मिल्क ऐड कर दिया है, तो वैसे से सिंपल क्वेश्चन जो आपको किसी भी नॉर्मल बुक में और हमारी स्मार्ट प्रेप किट जो है सारे का 100% पेपर मैं कहता हूँ स्मार्ट प्रेप किट में से आएंगे, कुछ भी वहां से बाहर नहीं है, जो मैं नोट्स प्रोवाइड करता हूँ 100% पेपर उसी में से था। तो बाकी अगर मैं इसकी बात करूं कि पेपर की आइडियल अटेम्प्ट की, इंग्लिश 27-28 मार्क, अगर किसी स्टूडेंट ने इसमें आप कह लीजिए 17 से 18 मिनट भी दिए हैं तो बड़े इंग्लिश में टाइम ज्यादा देना चाहिए था, अगर आपको फाइनल कट ऑफ क्लियर करनी है तो इंग्लिश का पेपर बहुत इजी था, 17-18 मिनट अगर आपने दिए हैं बड़े आसानी से 25 क्वेश्चन आप कर सकते थे, मैं दोबारा लिख रहा हूँ 25 क्वेश्चन आसानी से कर सकते थे 17-18 मिनट में, अगर 20-22 मिनट में रीजनिंग के आप कह लीजिए इसके भी 20 क्वेश्चन आप कर सकते थे इजिली, और क्वांट के भी मैं कहूंगा 20-22 क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते थे 22-23, तो आप कह लीजिए जो गुड अटेम्प्ट है 60-70 तो ये मैं ज्यादा दूर चले गया, फिर भी आप कह लीजिए कि 63-70 ये बहुत ही अच्छी अटेम्प्ट है, अगर आपकी अटेम्प्ट 40 भी नहीं है तो आप IBPS PO या बाकी के पेपर देने आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि ये तो बहुत आसान पेपर था, इससे आसान पेपर नहीं हो सकता कोई, अगर आप NICL का AO का एग्जाम इसको एज आप मॉक टेस्ट लेकर चलिए, अगर आप ये भी नहीं कर पाए तो बहुत मुश्किल, आप जीरो से तैयारी शुरू कर दोबारा करें, अगर आप इसमें से भी आप 25-30 की अटेम्प्ट करके आए हैं तो बहुत 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 बुरा हाल है आपका, 30-35 की भी अटेम्प्ट है बहुत बुरा हाल है, अटेम्प्ट मैं कहूंगा अगर आपकी कम से कम अटेम्प्ट 50+ है और आपकी एक्यूरेसी 100% एक्यूरेसी है, 95% भी नहीं मैं कहूंगा, पहले कोई जमाना होता था जब मैं कहता था 90% एक्यूरेसी, नहीं अब 100% एक्यूरेसी के साथ
अगर आपने 50 क्वेश्चन भी नहीं किए हैं तो आप सही तरह से पेपर नहीं करके आए हैं, अब दोबारा से तैयारी शुरू करें। यह आइडियल अटेम्प्ट है जो अच्छे स्टूडेंट्स के लिए मैं कहता हूँ कि ये एक सेफ स्कोर है। 63 अटेम्प्ट करके आए हैं, 65 अटेम्प्ट करके आए हैं, 55 मार्क्स आए हैं, तो सही है। बाकी कट ऑफ का कुछ आइडिया नहीं ले सकते क्योंकि एग्जाम जो था वो बहुत ईजी था, कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली है। तो मेरी तरफ से कुछ मेरा एनालिसिस निकल के आया है, टिप्स नहीं, मैं कहूँगा कि ये जो क्वेश्चन थे ये बहुत ईजी क्वेश्चन थे, बहुत आसानी से किए जा सकते थे। ये क्वाड्रेटिक डायरेक्शन कभी भी कोई भी बुक आप पकड़ लें तो उसके पहले 4-5 क्वेश्चन देखें, आपको सेम तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। जिस स्टूडेंट ने अपना सिलेबस खत्म किया हुआ है उसको कुछ भी नया नहीं दिखा होगा, एग्जाम में कुछ भी नया नहीं था, बहुत इजी एग्जाम था। वही कोडिंग डिकोडिंग मैं कहूंगा बहुत ज्यादा इजी थी, और पूरे का पूरा इंग्लिश सेक्शन था वो देखा हुआ था, बहुत इजी था। डीआई देखी हुई थी, बहुत इजी थी। डायरेक्शन सेंस, क्वाड, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, रैंकिंग और एक दो पजल थी, और सिटिंग अरेंजमेंट एक था, बहुत इजी था। ऑल इन ऑल मैं कहूंगा बहुत इजी एग्जाम था। चलिए आज की वीडियो को थोड़ा भी कंक्लूड करता हूं मैं। अगर आपका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ और आप दोबारा तैयारी करना शुरू करना चाहते हैं तो प्लीज कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन मत करें। अगर आप कोचिंग ज्वाइन करके भी 30-35 अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, दैट मीन्स आपकी कोचिंग वालों ने आपको लूटा है, और लूटने मत दीजिए। चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए सबसे पहले, और मैंने एक IBPS PO प्रिपरेशन की एक मेगा सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें मैं रोज नई नई वीडियोस डाल रहा हूँ। रोज मैं आपको बताऊंगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन है। 2.5 महीने में मैंने गोल रखा हुआ है कि 2.5 महीने में मैं A2 से लेके Z तक आपको मॉक टेस्ट तक लेकर जाऊंगा। अभी कैलकुलेशन स्पीड से लेके फिर अप्रोक्सीमेशन, फिर अपना टाइम एंड वर्क चलेगा, फिर टाइम एंड डिस्टेंस, एक एक करके चैप्टर उठाऊंगा, फिर डेटा एंट्री सब कुछ चलेगा, फिर हम रीजनिंग भी उठाएंगे साथ में, इंग्लिश भी चलेगी। 2.5 महीने में इवन GK 2.5 महीने में मैं पूरा आपको सिलेबस कवर करवाने वाला हूँ। तो बाकी स्टूडेंट्स को मैं एक ये रिकमेंडेशन दूंगा कि GK डाइजेस्ट हमारी एप्लीकेशन है, GK के लिए ये हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, ये पहले सबसे पहले जरूर इंस्टॉल कर लें, बहुत जरूरी है। और जो स्मार्ट प्रेप किट है, स्मार्ट प्रेप किट ये जरूर डाउनलोड करें। सारे का सारा एग्जाम इसी में से मेरे हिसाब से आया था, लेकिन आप कुछ किसी और को अच्छी बुक को भी देख लें तो आप कुछ नया नहीं था इस एग्जाम में, तो सारे का सारा एग्जाम आपको उसी में से मिल जाएगा। अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा जो वे है वो नीचे कॉमेंट सेक्शन का है। मैं पहले ईमेल बोलता था लेकिन मुझे मेल्स बहुत ज्यादा आ गई हैं, इतनी ज्यादा मेल्स का कई बार रिप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड प्लीज कमेंट्स में हेट कमेंट मत डालिए, मैं आप सबको रिप्लाई करना चाहता हूं लेकिन कई बार टाइम नहीं मिल पा रहा है, 100-150 ईमेल इकट्ठी हो जाती हैं, और कई स्टूडेंट्स ने मुझे लंबी लंबी पजल्स भेज दी हैं। एक पजल सॉल्व करने मुझे भी 10 मिनट लगते हैं, मैं कुछ सुपरमैन नहीं हूं, मुझे सॉल्व करनी आती है पजल, लेकिन इंसान हूँ, सॉल्व भी करूंगा ना, तो इतना टाइम कई बार नहीं होता। मुझे लंबे लंबे क्वेश्चंस मत भेजें ईमेल में, तो एक मैं एक डिस्कशन बोर्ड बनाऊंगा या एक हम सेशन करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक सेशन रखेंगे, तब हम करेंगे। तो ये सारे मैं प्रॉब्लम्स लूंगा, अभी हम पजल तक पहुंचे नहीं है। मैंने एक स्टेप बाय स्टेप आपको एक कोर्स कर रहे हैं, अभी कोर्स पूरा चलेगा IBPS मेगा। अगर आप IBPS PO का पेपर नहीं भी दे रहे हैं तो मेगा प्रेप सीरीज को फॉलो कीजिए ना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कुछ चार्ज नहीं है, तो उसको फॉलो कीजिए। तो प्लीज ईमेल जब भी कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेल करें मुझे तो मैं जरूर आपका रिप्लाई करूंगा। लेकिन रेपिटेटिव जो क्वेश्चन पूछते हैं तो नॉर्मली मैं उसकी एक वीडियो बना दूंगा, 10-12 क्वेश्चंस को इकट्ठा करके, 10-12 ईमेल्स को इकट्ठा करके मैं एक वीडियो बना देता हूं, ताकि आप सबके जो सवाल है उसका मैं एक साथ आंसर कर सकूं। तो प्लीज मिस्टर राहुल थे शायद जिन्होंने एक हेट कमेंट डाला था कि आप पैसों के लिए कर रहे हैं, इसके लिए कर रहे हैं, उसके लिए कर रहे हैं, थोड़े बहुत पैसे एट द एंड ऑफ डे हमें चाहिए होते हैं सर्वाइवल के लिए या ऑफिस मेंटेन करने के लिए, तो बहुत रीजनेबल मे बी ये स्मार्ट प्रेप किट वगैरह बेच के तो हम थोड़ा बहुत कर रहे हैं। लेकिन आज भी जैसे मैं स्क्राइब का पेपर एज अ जाके मैंने पेपर दिया है, एज अ स्क्राइब बना हूं मैं, तो हमने कुछ चार्ज नहीं करा। मैंने अपना आधा दिन निकाल के सुबह 10 बजे से लेके अभी 3 बजे वापस आया, तो हम क्या कर रहा हूं मैं, ये क्या है, ये सोशल सर्विस है, कुछ पैसा चार्ज नहीं किया। आपको लगता है कि मतलब झूठ बोल रहा हूं, तो आपका कोई ऐसे कोई फ्रेंड है या कोई है, अगर आप खुद हैंडीकैप्ड हैं, आप PWD कोटे में हैं, तो आप स्क्राइब की फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं, तो प्लीज मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए,
मेरे नोन में बहुत सारे अच्छे अच्छे पीओज जो मेरे स्टूडेंट लगे हुए हैं, एओ लगे हुए हैं, तो मैं उनको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि वो आपका पेपर दें। तो ये मेरा ईमेल आईडी है, अगर आपको स्क्राइब की फैसिलिटी चाहिए तो प्लीज मुझे मेल करें। एंड प्लीज हेट कमेंट्स मत डालें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें तो बेल आइकन मिल चुका है, बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आज के लिए इतना ही, कल मैं फिर से एक नई वीडियो लेकर आऊंगा। एंड आज रात को शायद मैं न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं इसके रिगार्डिंग मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ। नॉर्मली मैं रोज रात को 9:30-10 बजे के तकरीबन एक वीडियो मैं अपलोड करूंगा डेली। संडे को शायद ना हो पाए, लेकिन हफ्ते के 7 दिन संडे को भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं घर पे एक बनाने की कोशिश करूँ। तो आने वाले दिनों में रोजाना आपको एक शेड्यूल मिला करेगा। आज न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं मैं आपको पूरा बताऊंगा, कल को अपनी कैलकुलेशन जो स्पीड है उस पे कैसे काम करना है तो ये मैं आपको बताऊंगा, संडे या मंडे को हो पाएगा ये। तो उसके बाद अप्रोक्सीमेशन का चैप्टर करेंगे, ट्यूजडे को शायद अप्रोक्सीमेशन का चैप्टर करेंगे। आने वाले 3-4 दिनों का मैं प्लान करके चलता हूँ, उससे ज्यादा का तो क्या करना है। तो अप्रोक्सीमेशन के बाद फिर टाइम एंड वर्क पे चलेंगे, राइट। उसके बाद फिर सी टाइम एंड वर्क के बाद आप कह लीजिए फिर पाइप ट्रांसिस्टर आएगा, फिर नंबर सीरीज करेंगे, टाइम एंड डिस्टेंस, ऐसे करते करते हम क्वांट को मैं 20-25 दिनों में पूरा कर दूंगा। चलिए आज के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है।